दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दोस्तों जो स्पॉट एडमिशन का लिस्ट आ रहे हैं, आपका फर्स्ट लिस्ट भी आ गया है और बहुत कोर्सों का दोस्तों सेकंड लिस्ट भी आ गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी सेकंड लिस्ट किसका आया है और इनका एडमिशन कराने के लिए डेट क्या दिया गया है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। तो हम लोग पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों स्पॉट एडमिशन के डॉक्यूमेंट पे और सेकंड लिस्ट पे। तो आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च करना होगा JMICOE.in, और दोस्तों जैसे ही सर्च करोगे आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ऑफिशियल पेज पर विजिट कर लोगे और आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कोर्स नेम। तो आपको कोर्स नेम पर सिलेक्ट करना होगा बैचलर, और आप यहाँ कोर्स नेम पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यहाँ पर कैप्चर। इस कैप्चर को आपको यहाँ पर इसको करके नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है इंटर कैप्चर, तो आपको इंटर कैप्चर पे फिल करना होगा। मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है और आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा है सर्च बटन, तो आपको सर्च बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने नीचे ये रिजल्ट शो करने लगेगा और यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर फर्स्ट सेकेंड, और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड। तो जो फर्स्ट लिस्ट आपका बहुत पहले ही आ गया था और सेकेंड लिस्ट दोस्तों आप देख सकते हो आ गया है आपका सेकेंड लिस्ट। इस लिस्ट को आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ व्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे ही व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपके सामने डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको इस लिस्ट को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 to 4, आपको सिर्फ 2 दिन मिले हुए हैं एडमिशन कराने के लिए। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 3rd January to 4th January, आपको सिर्फ 2 दिन मिले हुए हैं। आज आपका 2nd January है, यानी आपका कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ 2 दिन मिले हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। तो आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब आपका काउंटिंग है जो डॉक्यूमेंट है। और आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट में लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लेके जाना होगा, और आपको 2 रिसेंट साइज भी पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लेके जाना होगा। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो, और जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन टुगेदर विथ द ओरिजिनल मार्कशीट, तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट के साथ जाना होगा। अब थर्ड नंबर पे है यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट हाई स्कूल, तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जिसमें आपका एज मेंशन होगा। तो क्लास 10 का दोस्तों आपका सर्टिफिकेट होगा तो आपको लेके जाना होगा दोस्तों, उसमें आपका डेट मेंशन रहता है। और फोर नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, आपको एड्रेस के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, आपको इन चारों में से कोई एक लेके जाना होगा आपको यहाँ पर प्रूफ परमानेंट एड्रेस के लिए। और फाइव नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मुस्लिम ओबीसी एसटी कैंडिडेट, अगर आप मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी का हो या मुस्लिम एसटी कैटेगरी का हो या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हो तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 से 8 तक आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हो वहाँ से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और 9 नंबर पे आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 नंबर पे करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, तो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और 10 नंबर पर है सर्टिफिकेट फॉर्म MBBS डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ब्लड ग्रुप को आपको लेके जाना होगा, आप MBBS डॉक्टर से या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको लेके जाना होगा। और 11, 12 नंबर आपका जो रैंकिंग के लिए है दोस्तों, या आपका कोई गैपिंग है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो। अब हम लोग दोस्तों देख सकते हैं इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर और एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर, ये जनरल कैटेगरी का है, ये मुस्लिम कैटेगरी का है। तो आप ये हर एक कैटेगरी में यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम या जनरल। तो दोस्तों आज आपका 2nd January था, आपका 3rd January कल से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।